नमस्कार किसान भाइयों, मारवाड़ी मंडी भाव में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बाजरा के भावों के बारे में। किसान भाइयों, बाजरा फिलहाल राजस्थान में 1100 से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल के से भी कम दामों में बेचना किसानों को पड़ रहा है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि सरकारी रेट तय की गई है 2150 रुपए प्रति क्विंटल। देश का आधे से ज्यादा बाजरा का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। इस बार बाजरे की उपज है वो राजस्थान में काफी अच्छी रही, लेकिन किसानों को बाजरा औने पौने भाव में ही बेचना पड़ रहा है। किसान भाइयों, राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा की अनाज मंडियों की बात करें तो वहां बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान हो या चाहे पंजाब हो, वहां बाजरा 1300 के भाव पर ही जो है बिक रहा है। इसीलिए कई किसान भाई सोच रहे हैं कि वह अपना बाजरा हरियाणा में बेचे, लेकिन सभी किसानों के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि कई किसान है वो काफी दूर दराज में रहते हैं हरियाणा से। इस वजह से जो माल भाड़ा किराया है वो काफी ज्यादा पड़ जाता है। इसी वजह से अब राजस्थान सरकार को भी बाजरा है वो कम से कम 2150 रुपए में खरीदना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का फल मिल सके। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने किसान की फसल का मूल्य 1.5 गुना दिए जाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन ये घोषणा मात्र कागजों पर ही लिखावट में है, जबकि किसान के बाजरे की फसल समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हुई है, जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने बाजरा का समर्थन मूल्य 2150 रुपए में दे रखा है, लेकिन बाजार में व्यापारी 1000 से लेकर 1300 रुपए में ही खरीद रहे हैं, जो कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है। अब किसान शीघ्र बाजरे की फसल समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। किसान भाइयों, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल बाजार में भी जो है बाजरे का भाव काफी अच्छा था, 2000 रुपए तक बाजरा बिक रहा था। इस बार भी बाजरे से किसानों को काफी अच्छी उम्मीद थी, लेकिन सरकारी खरीद जल्दी से शुरू नहीं होने की वजह से बाजरा जो है 1300 रुपए तक ही बिक रहा है। हमारी भी मांग यही रहेगी सरकार से कि सरकार जल्दी से जल्दी किसानों से समर्थन मूल्य पर जो है बाजरे की खरीद करे, ताकि किसानों को अच्छे भाव बाजरे के मिले।